तो भैया यही है ना गैलेक्सी अपार्टमेंट? हाँ जी भाई, यही है, इधर से जानता है सलमान खान। यहाँ से ना सलमान खान के फैंस देखने को मिलेंगे। देखो भाई, अगर सलमान खान यहाँ पे आए ना भाई तो मजा आ जाएगा। वैसे कब निकलते हैं सलमान खान सर? तो भाई वहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट से कोई देख रहे थे हमें कि कब सलमान खान सर निकल के हाय बोले। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि मैं शाहरुख खान की मन्नत को देखने के लिए पहुंच चुका था सीधे बांद्रा से बैंडस्टैंड, जहां पर शाहरुख खान की मन्नत को देखकर तो मेरी भी एक मन्नत पूरी हो ही जाती है, लेकिन मन्नत को देखकर अगर सलमान खान की गैलेक्सी को ना देख तो काफी ज्यादा पछतावा होगा। इसलिए समुद्र के किनारे थोड़ा वक्त बिताने के बाद निकल पड़ता हूं सलमान भाई के घर को देखने के लिए। और सलमान खान के घर का डिस्टेंस मन्नत से तकरीबन 10 से 15 मिनट का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो भाई बांद्रा में आने के बाद आपको तो एक समुद्र का व्यू देखने को मिलेगा ही, जो कि काफी खूबसूरत है। आप मेरे पहले ब्लॉग में देखना जिसमें मैंने मन्नत का दिखाया, और यहाँ की खूबसूरती यहाँ के समुद्र के किनारे जो व्यू है उससे दिख जाती है। तो भैया यही है ना गैलेक्सी अपार्टमेंट? हाँ जी भाई, यही है, इधर से जानता है सलमान खान। यहाँ से ना वो ढका हुआ है जो ना, तो ढका हुआ है जो लाल कलर में दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, रिएक्शन जो है उसके ऊपर जो ढका हुआ है ना, वहीं से हाय बोलते अपने फैंस को। और यहाँ पे पार्क होती है जहाँ पे वो गेट है। तो ये भाई यहाँ के लोकल है, तो इसीलिए इन्होंने बताया। हमें पता ही नहीं चला कि ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था। अभी नई पिक्चर आ रही है, नई पिक्चर बनाने का यार। नई पिक्चर आ रही है वो बनाने। तो ये रहा सलमान खान का घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। कहाँ पर लिखा है भैया? अच्छा हाँ, वहाँ छोटे में लिखा हुआ है भाई, मैंने देखा नहीं। जैसा कि आपको मन्नत के घर के सामने एकदम जाम दिखा था, ठीक वैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास में भी आपको जाम, और यहाँ पर सलमान खान के फैंस देखने को मिलेंगे। देखो कितने लोग खड़े हैं भाई साहब यहाँ पे पूरे। लेकिन एक सेकंड, अरे यार जाने अनजाने में आदित्य रॉय कपूर गैलेक्सी अपार्टमेंट के नीचे क्या कर रहे हैं? कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? सलमान खान के घर के ऊपर इतने सारे चील थे कि क्या ही बताओ। शायद सलमान खान ने इन्हें भी हायर किया होगा एज अ बॉडीगार्ड। भाई अगर सलमान खान यहाँ पे आए ना भाई तो मजा आ जाएगा। वैसे कब निकलते हैं सलमान खान? संडे को या तो त्योहार रहेगा तो। अच्छा संडे को, जैसे भाई साहब यहाँ के लोकल है क्या? हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि संडे को या कोई फेस्टिवल रहता है तो अपने फैंस को आए बोलते हैं। फिलहाल देखो कितने लोग हैं। कल कितने बजे? यहाँ पे बाहर में तो जैसे यहाँ के भाई साहब ने, यहाँ के लोकल है ना, तो इन्होंने बताया कि कल आए थे। फिलहाल अभी आएंगे कि नहीं कोई पता नहीं है ना? कोई पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं है। तो देख रहे हो कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो वहाँ भाई मेरा दोस्त तो बना रहा है वीडियो, तो चलते उस पार, पहले रास्ता क्रॉस करते हैं। तो भाई यहाँ नज़दीक से मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, यहीं से हाय बोलते हैं सलमान खान। और ये रही उनकी गैलेक्सी अपार्टमेंट, जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ के लोकल भाई साहब हैं, इन्होंने सब पता है। तो सभी भाई लोग इसी फ्लैट में रहते हैं ना? सभी भाई लोग इसी फ्लैट में रहते हैं ना सलमान खान के? अलग अलग यानी फ्लोर पे, अलग इसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे सलमान खान सर और उनके सभी भाई लोग रहते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोड है, इसलिए यहाँ पे खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, बस यही सोच रहे होंगे कि कब सलमान खान सर घर में होंगे तो हाय बोलेंगे, लेकिन घर में नहीं है जैसे कि यहाँ के लोकल से पता चला। देखो सब लोग वेट कर रहे हैं, वेट क्या देख रहे हैं उनके घर को कि बाई चांस दिख जाए। तो अभी 7 बज रहे लगभग, और देखो समुद्र का व्यू कुछ ऐसा है, और यहाँ से पूरी मुंबई सिटी दिखती है। देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है सिटी, समुद्र के किनारे बसा मुंबई सिटी। और इन लोगों में से सबसे ज्यादा लोग रहते हैं शाहरुख खान के मन्नत और गैलेक्सी अपार्टमेंट को देखने वाले लोग रहते हैं। तो गाइस सलमान खान के घर को देखो तो काफी मन खुश हो गया गैलेक्सी अपार्टमेंट को, और उनके घर के सामने का जो समुद्र व्यू था वो भी काफी लाजवाब था। जैसे शाहरुख खान के घर के बाहर एक समुद्र का व्यू था, वैसे सलमान खान के घर के बाहर भी ऐसा ही व्यू था। तो काफी अच्छा लगा बांद्रा में आकर सलमान खान का घर और शाहरुख खान का घर देखने के बाद। तो इस ब्लॉग को करते ही पर खत्म। तो आई होप गाइस आपको ब्लॉग काफी पसंद आया और मुंबई जर्नी काफी पसंद आई होगी। तो मिलते फिर से एक मजेदार ब्लॉग के साथ, एक मजेदार जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।